एक बार सब मुस्कुरा के बोल देंगे ओम शांति। आपके अपने ही आए हैं, आप अपनों से मिलने के लिए है कि नहीं, इतने दूर से खास टाइम निकाल के आए हैं। आज तक टाइम किसके पास? 24 घंटे हैं सबके पास, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी वर्ग का प्राणी हो, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमारी समझ के हिसाब से हम लोग करते हैं। भगवान ने हमारे को समझ तो दे दी क्या अच्छा है क्या गलत है, परंतु साथ में उसने आजादी भी दे दी कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा फल भी तुम भोगोगे। 24 घंटे में हम कितना क्या करते हैं, किसके लिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज हमारे जीवन में यदि दुख है, अशांति है, कलह कलेश है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे सास ससुर हैं, बेटा है, कौन है उसका जिम्मेवार? उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। इंसान अपने हर परिणाम का जिम्मेवार खुद होता है। जो भी उसके साथ हो रहा है इस संसार में, उसका जिम्मेवार इंसान खुद है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ये सारी दुनिया निर्दोष है दोस्तों, निर्दोष, क्योंकि जिसका जो रोल है वो अच्छे से रोल अपना वही बजाएगा। किसान अपना खेती करेगा, चोर अच्छे से चोरी करेगा, डाकू अच्छे से डाका डालेगा, तो जिसका जो रोल है वो अच्छे से बजाएगा। तो हमारा अपना क्या कर्तव्य है, ये हमें अपना कर्तव्य खुद निर्धारित करना है, कोई पड़ोसी नहीं आके बताएगा। आजकल भेड़ चाल चल रहे हैं, हम लोग एक भेड़ कुएं में गिरेगी तो सारे भी गिरे, देखा देखी में चल रहे हैं। अच्छा वहाँ ये हो गया, उसने ये कहा, चल मैं भी ये कर लूँ। अरे वो अलग है, मैं अलग हूँ भाई, उसका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है। मुझे भी अब इतनी समझ है क्या खाना है, क्या पीना है, किससे कैसे बात करनी है, किसको क्या जवाब देना है, मुझे अपनी अकल है। परंतु आज अकल कहते हैं ना घास करने की, क्योंकि आज अच्छाई के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलने की ताकत नहीं रही है। अच्छा हर कोई बनना चाहता है आज के जीवन में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई ये कहे नहीं मैं अच्छा बनना ही नहीं चाहता। अच्छा बनना चाहते हैं परंतु वो ताकत नहीं रही है, क्योंकि आज मन से हर कोई कमजोर है। जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आता है, कुछ भी होता है, कहीं का गुस्सा कहीं पे उतार देते हैं, बच्चों पे हाथ उठा देते हैं, किसी ने हमारे को जरा ही टक्कर लगा दी उसको धो देते हैं पकड़ के, होता नहीं होता? तो इन सब चीज़ों से यदि आपका मन भर गया हो तब तो आकर के एक हिम्मत का कदम बढ़ा के आप राजयोग सीखो। और यदि जीवन ऐसे ही जीना है फिर उसमें हम भगवान कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर जो जीवन आप आज तक जीते आए हो वैसा ही जीवन आपको जीना है, यह आपकी चॉइस है, या आपको लगता है कि नहीं अब एक हिम्मत का कदम मैं बढ़ाऊं और मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हो, कुछ बदलाव हो, कुछ अच्छाइयां आए, तो आपको अच्छे मार्ग पर चलना होगा, जो कि आज ब्रह्म कुमारी आश्रम में सिखाया जाता है, जीवन जीने की कला। और कौन सिखाता है? कोई इंसान नहीं सिखाता, स्वयं भगवान आकर के सिखाता है। आज 140 से भी ज़्यादा देशों में बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्मी ऑफिसर, हर वर्ग के प्राणी राजयोग की शिक्षा को धारण कर अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहे हैं, अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करके जी रहे हैं। क्योंकि ये जो जीवन अभी तक हम जी रहे हैं ना, ये कोई जीवन नहीं है। सोच के देखो, क्या ऐसा जीवन जीने के लिए मनुष्य चोला धारण किया है हमने? क्या ऐसा जीवन जीने के लिए हम पैदा हुए हैं इस धरती पर, भगवान ने इसलिए भेजा है? नहीं, सोच के देखो। कहते हैं मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, बड़े भाग से ये मनुष्य तन पावा, फिर भी इसको कोड़ी तुल्य गवा रहे हैं।
तो हमारा एक ही कर्तव्य था जो इतनी दूर से चल के आए हैं कि हम आपको वास्तविक सत्य से ज्ञात करा दें कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ और मेरा पिता भी एक ज्योति स्वरूप परमात्मा है जो हम सभी आत्माओं का पिता है। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक हैं, धर्मात्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं अनेक हैं, पाप आत्माएं भी अनेक हैं, पुण्य आत्माएं भी अनेक हैं, देवताएं भी अनेक हैं, महात्माएं भी अनेक हैं, परंतु परमात्मा एक है और वो एक कौन है? शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। और आज हम बैठे भी शिव के मंदिर में हैं, तो जिस भगवान को युगों युगों से हम ढूंढते आए हैं वह स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर के ही ये राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं, जीवन में सच्ची सुख शांति आती है, वो है राजयोग। तो आप सभी को एक एक पर्चा मिला होगा, पर्चे में एड्रेस है, दे दो नहीं तो पर्चा दे दो। तो उसमें आश्रम का पता लिखा हुआ है, गजरौला में आश्रम है। वैसे तो 140 देशों में, किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, किसी भी तहसील में चले जाओ, आज ब्रह्मा कुमारी का आश्रम जरूर मिलेगा आपको। ये किसकी ताकत है? एक ईश्वर की, क्योंकि उसे कहते हैं खुदा। खुद वो आता है, स्वयं वो स्वयं इस धरती पर आता है और अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है। तो आप सभी आश्रम पर आए, और 7 दिन का कोर्स है मात्र, 1 घंटा 7 दिन, कोई पाई पैसे का खर्चा नहीं। आपको जीवन जीने की कला पता चल जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा इस पूरे सृष्टि पे जो हो रहा है, मेरे साथ जैसा हो रहा है, उसका यथार्थ रहस्य क्या है। अगर मंदिर में जाते हैं जूते चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं, हम व्रत क्यों रखते हैं, आरती क्यों गाते हैं, मेरे घर में ये बच्चा ऐसा ही क्यों पैदा हुआ, पत्नी ऐसी ही क्यों मिली, सास ससुर ये क्यों मिले, मेरे साथ नुकसान क्यों हो रहा है, छोटी छोटी बातों में जो हम परेशान होते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर किसी इंसान के पास नहीं है, भगवान के पास। वो उत्तर आपको 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। 7 दिन के कोर्स के बाद आपके मनुष्य जीवन का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके मन में रह जाए, सभी प्रश्नों से पार हो जाएंगे आप। तो इसलिए वो आप कोर्स करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही हमारी शुभ भावना है, शुभकामना है, और यही बताने के लिए हम आपके पास आए थे। ओम शांति।